नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन वीजी एजुकेशन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। क्लास नाइन्थ का ये फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसका पूरा का पूरा बेसिक समझेंगे हम कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये सभी हम डीपली समझेंगे अच्छे से। इसका बेसिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, अब देखिए बात आती है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोटेड करते हैं, एन से, कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं। अब नेचुरल नंबर्स हमारे होते कौन से हैं ये भी समझ लेते हैं जरा। नेचुरल नंबर्स हमारे वो होते हैं जो स्टार्ट होते हैं किससे, वन से, वन, उसके बाद टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, एंड दे आर मूव एट द एंड ऑफ इंफिनिटी। इंफिनिटी तक जाते हैं वो नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। मे बी आप ये समझ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे नेक्स्ट टाइप के जो नंबर्स होते हैं विच इज होल नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, होल नंबर्स। अब बात करेंगे हम होल नंबर्स की। होल नंबर्स, अब ये हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए होल नंबर्स हमारे वो होते हैं इंक्लूडिंग जीरो। अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर्स बन जाएगा जीरो। उसके बाद सभी के सभी नेचुरल नंबर्स टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, एंड दे आर मूव एट द एंड ऑफ द इंफिनिटी। इंफिनिटी तक जाते हैं नंबर्स, इनको बोलते हैं होल नंबर्स। बट नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस केवल इतना है कि होल नंबर्स में जीरो इंक्लूड होता है बट नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। चलिए इंटीजर्स को समझ लेते हैं। इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इंटीजर्स को, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स सभी के सभी होल नंबर्स, जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं सभी के सभी होल नंबर्स, एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स और जीरो को सबको मिला देंगे तो क्या बन जाता है, हमारा इंटीजर्स बन जाता है। चलिए यहां पर हम सबको मिला देते हैं, जीरो आ जाएगा एक, और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सब आ जाएंगे, वन, उसके बाद टू, फिर थ्री, देन फोर, देन फाइव, एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। एंड इधर आएगा हमारा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, और कहां तक जाएंगे, माइनस के इन्फिनिटी तक। ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं जिसमें जीरो आता है और प्लस के सभी नंबर्स आते हैं वन से लेके इन्फिनिटी तक। एंड इधर की साइड में, लेफ्ट साइड में क्या आता है, हमारा माइनस वन सभी नंबर्स आ जाते हैं, उसे बोलते हैं हम, सबको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। मे बी आप ये समझ चुके होंगे। चलिए मैं एक बार फिर से आपको रिविजन करवा देता हूं कि हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। ये तीनों चीजें हम समझ लेते हैं एक बार। नेचुरल नंबर्स हमारे वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं वन से एंड कहां तक जाते हैं, इंफिनिटी तक। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद में आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं जीरो से कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे सभी के सभी होल नंबर्स आते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं हमारे नंबर सिस्टम में, और सभी के सभी क्या आते हैं, माइनस वाले नंबर्स आते हैं, तो उसे बोलते हैं इंटीजर्स। चलिए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि हमारे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और हमारे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाय क्यू, इन द फॉर्म पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं।
द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाय क्यू, वो नंबर्स जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए एंड क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए समझते हैं किस तरीके से होगा। सपोज डेट मैंने एक नंबर लिखा 3/5। अब देखिए ये नंबर एक रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये नंबर एक तो पी बाय क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल है। उसके बाद में जो हमारा पी है और क्यू है वो क्या है, हमारा एक इंटीजर है। यहां पर क्या है, 3 भी हमारा एक इंटीजर है एंड क्यू भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है। पी एंड क्यू दोनों हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। और यहां पर कंडीशन क्या है, क्यू हमारा जीरो नहीं है, क्यू जीरो नहीं है यहां पर, तो इसलिए ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर्स की पहचान आप समझ चुके होंगे कि वो नंबर्स जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी कि प्लस के 1 से लेकर सारे नंबर इंफिनिटी तक, जीरो और माइनस के नंबर्स है ना, पी और क्यू हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और हमारा जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, हिंदी में हर बोलते हैं, वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है, कंडीशन है रेशनल नंबर्स की। चलिए बात कर लेते हैं, एक आध और एग्जांपल समझ लेते हैं रेशनल नंबर्स के। और एग्जांपल हो सकते हैं हमारे लाइक 6/13 हो गया, ये एक रेशनल नंबर है। 5/7 हो गया, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होंगे। चलिए यहां पर लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, द नंबर्स which cannot be expressed in the form p by q, where p and q are integer and q does not equal to zero, irrational numbers are something different from rational numbers, अलग होते हैं रेशनल नंबर्स की। अलग कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स की पहचान क्या है, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाय क्यू। इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, उसका जस्ट अपोजिट, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, उल्टा होता है बिल्कुल से। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इरेशनल नंबर्स का। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लाइक हमारे पास में √3 है, ये एक रेशनल नंबर है। जितने भी रूट में नंबर होते हैं, ज्यादातर जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम, उन्हें क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। √5 हो गया हमारा, √7 हो गया, √10 हो गया। तो ये सभी नंबर्स क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे। अब मे भी आप ये समझ चुके होंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी एंड क्यू हमारे क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। इरेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको आप पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।